पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान लेने वाले शूटर्स के सरगना प्रियव्रत फौजी ने पुलिस के साथ पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को गोली मारने वाले शूटर और बोलेरो मॉड्यूल के हेड प्रियव्रत फौजी ने पूछताछ में बताया कि 27 मई को ही सिद्धू की हत्या की प्लानिंग की गई थी। उसी दिन उसकी हत्या हो जाती, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। सूत्रों के मुताबिक शूटर प्रियव्रत फौजी ने पुलिस को बताया है कि 27 मई को सिद्धू मूसेवाला अकेले गाड़ी में बैठकर निकले थे, जिसके बाद बोलेरो और कोरोला कार में सवार शूटर सिद्धू के पीछे पड़ गए। सिद्धू किसी केस के सिलसिले में कोर्ट के लिए निकले, उनकी गाड़ी के पीछे शूटर्स की गाड़ी ने पीछा करना शुरू किया। मूसेवाला की गाड़ी गांव की सड़क की जगह मेन हाईवे पर तेज से चलने लगी और शूटर बहुत दूर तक गाड़ी का पीछा नहीं कर पाए और उनका प्लान फेल हो गया। शूटर के पास से बरामद हथियार इंडियन मेड नहीं, पुलिस को शक है कि हथियार को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाया गया था। पुलिस ने शूटर्स के साथ पूछताछ की, जिसके बाद ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और AK-47 जैसी दिखने वाली राइफल भी बरामद की गई हैं। ये सभी हथियार इंडियन मेड नहीं हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ऐसे हथियार पिछले दिनों पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ड्रोन से गिराए गए थे। हो सकता है ये उसी खेप का हिस्सा हो। उधर लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तान में अच्छा नेटवर्क है। इसके अलावा पंजाब का गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरी भी पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाता था, जिसके साथ हथियार भी कई बार वो मंगवा चुका है। जग्गू ने पूछताछ में इस बात का खुलासा भी किया है कि एक बार उसने 40 पिस्टल्स मंगवाई थी। बिश्नोई गैंग पाकिस्तान मध्य प्रदेश मुंगेर से हथियार मंगवाता रहा है। बिश्नोई का एक नेटवर्क अमेरिका में भी बैठा हुआ है, जो अलग अलग बॉर्डर से पंजाब हथियार पहुँचाता रहता है। खुफिया एजेंसियाँ पाकिस्तान से पंजाब में हथियार लाने वाले के एंगल से भी मामले की तफ्तीश कर रही हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही गुजरात से दिल्ली पुलिस ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए शूटर्स में से एक प्रियव्रत फौजी है। फौजी हरियाणा का गैंगस्टर है और ये फतेहाबाद पेट्रोल पंप पर CCTV में कैद हुआ था। प्रियव्रत फौजी शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का हेड है। मर्डर के समय फौजी गोल्डी बराड़ के सीधे संपर्क में था। फौजी इससे पहले भी हत्या के 2 मामलों में शामिल रहा। ये दोनों केस सोनीपत के हैं। गिरफ्तार किए गए दूसरे शूटर का नाम कशिश कुलदीप है। 24 साल का कुलदीप हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए तीसरे शूटर का नाम केशव कुमार है। 29 साल का केशव पंजाब के बठिंडा जिले के आवा बस्ती का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पुलिस ने बताया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम इस मामले पर काम कर रही थी और 6 शूटर्स की पहचान दिल्ली पुलिस ने की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।